हम कैरेमल ब्रेड पॉपकॉर्न बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही क्रंची बनते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैरेमल ब्रेड पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसे हम इस तरह से बीच से काटते हुए छोटे छोटे पीसीस में कर लेंगे। इस तरह से हमें इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेना है। बाकी के भी हम इसी तरह से ही छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे। हमने चारों ब्रेड के स्लाइसेस को छोटे छोटे पीसीस में कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे बिना ऑयल के। हमने यहाँ पैन को गर्म पे चढ़ा दिया है। इसमें हमें किसी तरह का कोई ऑयल या घी या बटर नहीं लेना है। सिर्फ हमें इसे पैन में डालकर इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसका कलर भी चेंज होने लगा है। हमें इसको जब तक फ्राई करना है जब तक इसका लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है और ये क्रंची सी नहीं हो जाती है, तो हम इसे जब तक फ्राई करेंगे। तो इसका अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। हमने इसे निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गए हैं और हम आपको इसे चेक कर कर दिखाएंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी होकर तैयार हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमें इसी तरह से ही रोस्ट करना है इसे। अब उसी पैन में हम कैरेमल बनाएंगे। उसके लिए हमने 1/4 कप चीनी ली है, इसे डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर हम बराबर स्टर करते हुए इसका कैरेमल बना लेंगे। कैरेमल बनना शुरू हो गया है तो हम बराबर स्टर करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे बराबर हमने स्टर करते हुए स्लो फ्लेम पे इसका कैरेमल बना लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच बटर डालेंगे और बराबर चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है हमें और स्लो फ्लेम पे हम बराबर स्टर करते रहेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये परफेक्टली तैयार हो गया है, बस हमें इसी तरह से ही इसे पकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड को रोस्ट करके रखा है इसे डाल देंगे और इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो आपसी में चिपक रहे हैं हम इसे अलग करते जाएंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद इसे हम एक बटर पेपर पर निकाल लेंगे और दूर दूर हम इसे फैला देंगे। हमने इसे दूर दूर फैला दिया था। तो अब ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं। तो हम आपको इसको प्लेटिंग कर कर दिखाएंगे। हमारे टेस्टी कैरेमल ब्रेड पॉपकॉर्न बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही क्रंची बने हैं। आपको हम इसे चेक कर कर बताएंगे ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं और टेस्ट के साथ ही इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो 1 टाइम सब्सक्राइब भी करें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी कैरेमल ब्रेड पॉपकॉर्न की रेसिपी कैसी लगी।